राजसमंद जिले में इन दिनों सरपट यमदूत रूपी ट्रक और डंपर दौड़ रहे हैं, जी हां, जो हादसों को दावत भी दे रहे हैं लेकिन परिवहन विभाग अनजान बना बैठा है। ओवरलोड वाहनों की वजह से हादसे हो रहे हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ये ओवरलोड वाहन किस कदर खतरनाक बन चुके हैं ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। राजसमंद की सड़कों पर दौड़ती मौत, चंद रुपयों के लिए जान से खिलवाड़, जिम्मेदार अफसरों ने मूंदी आंख, लोगों की जान भगवान श्रीनाथ के हाथ। वैसे तो राजसमंद जिला प्रभु श्रीनाथ जी और विश्वास स्वरूपम के चलते विश्व मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका है, लेकिन इन दिनों राजसमंद के लोगों के लिए जान के रखवाले यही दो भगवान हैं, क्योंकि राजसमंद की सड़क। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऊपर ओवरलोडेड यमदूत सरपट रफ्तार भर रहे हैं और हादसों की वजह बन रहे हैं। राजसमंद परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते जिले में तेजी से ओवरलोड वाहन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हादसे का डर बना रहता है। वहीं जिम्मेदार अफसर गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहे हैं। राजसमंद की सड़कों पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये ओवरलोड वाहन बिना रोक टोक दिन रात मौत बांटने के लिए खुले छोड़ दिए गए हैं। दरअसल NH 8 स्थित केलवा राजसमंद रोड और राजसमंद नाद्वारा रोड पर ओवरलोड वाहन सरपट दौड़ रहे हैं और इन्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों के इस मामले पर बात करने पर वो स्टाफ की कमी का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जिले में कार्यरत है, हालांकि स्टाफ की बहुत कमी है। 7 इंस्पेक्टर की पोस्ट सैंक्शन है, जिसके एवज में 3 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं और साथ में ही 2 परिवहन कार्यालय भी हैं, जहां भी इनकी ड्यूटी लगातार रहती है और 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लगातार ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, चालान बनते हैं। इन ओवरलोड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए कई बार अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात जस के तस बन जाते हैं। कई बार कार्रवाई के नाम पर इतिश्री कर इन ओवरलोडेड वाहनों को छोड़ दिया जाता है। इन ओवरलोड वाहनों के चलते पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अच्छा काम करने का दावा करते हुए खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। 2 इंस्पेक्टर हैं हमारे पास, स्टाफ की काफी कमी है, फिर भी उसके बावजूद भी हम काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं और अभी भी स्पेशल अभियान के हमने आदेश जारी कर दिए, जिसमें हम तीनों इंस्पेक्टर अभी 12 से 17 तक ओवरलोड या ओवर क्राउडिंग इसके संबंध में कार्रवाई करेंगे। जी मीडिया के कैमरे पर कैद हुए ये ओवरलोड वाहन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रशासन और परिवहन विभाग इस मामले को लेकर कितना गंभीर है। डंपर में मार्बल की सिल्ली इस कदर ओवरलोडेड है कि जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो हादसा होना तय है। सबसे खास बात यह है कि वाहन राजसमंद के केलवा थाने के बाहर से ही निकला है, जिसे किसी भी पुलिसकर्मी ने रोकने की जहमत नहीं उठाई, जबकि राजसमंद पुलिस और राजसमंद परिवहन विभाग द्वारा कुछ समय पहले नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जो कि एक खानापूर्ति साबित होकर रह गई। वहीं ओवरलोड वाहन की दूसरी तस्वीर परिवहन कार्यालय के पास की है, जहां बेरोक टोक सरपट वो ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि गिट्टी से भरा ये डंपर ब्रेक लगाने पर सड़क पर गिट्टी बिखेर रहा है। अगर ड्राइवर जरा सी लापरवाही कर दे तो ये डंपर किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। जहां परिवहन विभाग स्टाफ की कमी की दुहाई दे रहा है, वहीं प्रशासन भी इन ओवरलोडेड ट्रकों को नजरअंदाज कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारी समय रहते इस मामले में कोई एक्शन लेते हैं या किसी बड़े हादसे के बाद ही अधिकारियों की नींद टूटेगी। राजसमंद की सड़कों पर इन दिनों ओवरलोड वाहन बदस्तूर बिना रोक टोक चल रहे हैं, जिन पर किसी ने नकेल नहीं कसने की प्रयास किया है। वहीं विभाग भी आंख मूंद कर बैठा है। वहीं जब इस पूरे मामले पर विभाग के मुखिया से यानी DTO से बात की गई तो उन्होंने जी मीडिया को बताया है कि इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल उन्होंने यह भी पल्ला झाड़ा है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, 2 ही इंस्पेक्टर कार्य कर रहे हैं, फिर भी कार्रवाई इन पर जारी रहेगी। देवेंद्र शर्मा जी, मीडिया, राजसमंद। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।